नमस्कार, आज हम व्याकरण के संधि भाग का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम संधि किसे कहते हैं, संधि कौन किन वर्णों के मध्य होती है एवं संधि के भेद कौन कौन से होते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं संधि किसे कहते हैं। वर्णानाम मेलनम संधि, अर्थात वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि पद का निर्माण सम उपसर्ग धन धा धातु धन की प्रत्यय से होता है, परंतु वास्तव में परह सन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णों की अत्यधिक निकटता को हम संधि कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यह आवश्यक नहीं है कि सदैव वर्णों को मिलाया जाए। इसको हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। तो यहाँ है हिमालय, हिम धन आलय हिमालय। तो हिम के म में से हमने अ लिया एवं आलय में से आ लिया एवं हिमालय पद का निर्माण किया। अब एक दूसरा उदाहरण समझते हैं, प्रति धन एकम। तो यहाँ हमने प्रति के ती में से ई लिया एवं एकम पद में से कुछ न लेकर उस पद को वैसा ही रखा। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया है, ती के ई के स्थान पर हमने यह आदेश किया, परंतु पर पद अर्थात द्वितीय पद में कोई परिवर्तन नहीं किया, उस पद को हमने वैसा ही रखा। तो जब ती में से ई लिया तो त हलंत रह गया और ई के स्थान पर हमने यह आदेश किया और एकम पद वैसा ही रखा और प्रत्येक पद का निर्माण किया। परंतु सदैव आदेश हो ये भी आवश्यक नहीं है। तो देखिए अनुच्छेद, अनु धन छेद। तो हमने अनु के नु में से भी कुछ नहीं लिया, ऊ नहीं लिया एवं छेद के छे में से भी ए नहीं लिया, अर्थात दोनों पदों में न तो कोई परिवर्तन किया न वर्णों को मिलाया, परंतु यहाँ क्या किया हमने, यहाँ च का आगम किया। आगम का अर्थ है किसी वर्ण या पद को लाना। इस प्रकार अनुच्छेद पद का निर्माण हुआ। तो ये आवश्यक नहीं है कि संधि में सदैव वर्णों को मिलाया जाए। तो इस प्रकार वर्णों की अत्यधिक निकटता को भी हम क्या कह सकते हैं, संधि कहते हैं। अब वर्ण कौन से होने चाहिए, तो इसका है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण। तो ये प्रथम अनु है, ये हमारा प्रथम पद है और इसमें जो ये उ दिखाई दे रहा है, नु में जो उ है ये हमारा अंतिम वर्ण है और जो छेद है ये हमारा द्वितीय पद है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हुआ छ। इसको हम पूर्व पद एवं पर पद भी कह सकते हैं। नाम से पद से ही ज्ञात होता है, पूर्व यानी पहले वाला पद, पर यानी बाद वाला पद। जैसे महा धन ईश महेश, तो महा के हा में जो आ है ये हमारा पूर्व पद हुआ जिसको मैंने प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी कहा, तो जो और ये हुआ ईश का ई, ये हमारा पर पद हो गया। तो हमने समझा है कि वर्ण कौन से होने चाहिए जिनके मध्य संधि हो सकती है। अब हम आगे पढ़ेंगे संधि के भेद। यहाँ मैंने संधि के भेद लिखे हैं, स्वर संधि जिसको हम अच्छ संधि भी कहते हैं, अच्छ अर्थात स्वर। दूसरी है व्यंजन संधि जिसे हम हल संधि भी कहते हैं क्योंकि हल अर्थात व्यंजन। और तीसरी है विसर्ग संधि। अब हम प्रत्येक संधि को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं स्वर संधि। नाम से ही ज्ञात होता है जिसमें मिलने वाले दोनों वर्ण क्या हो, स्वर हो, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। आइए देखते हैं, जिसमें परस्पर मिलने वाले दोनों वर्ण स्वर हो अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण एवं द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दोनों ही स्वर हो तो वह स्वर संधि कहलाती है। इसको उदाहरण से समझते हैं, विद्या धन आलय विद्यालय, महा धन इंद्र महेंद्र। तो देखिए ध्या में भी क्या है, आ स्वर है और आलय का आ भी क्या है, स्वर है, अर्थात ये स्वर संधि का उदाहरण हुआ। महा धन इंद्र, तो
तो हा में भी क्या है, आ स्वर है, और इंद्र का ई भी क्या है, स्वर है। तो ये दोनों ही क्या है, मिलने वाले वर्ण स्वर है, अर्थात यहाँ स्वर संधि है। अब स्वर संधि के भी कई भेद बताए गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप एवं पर रूप संधि। तो हम अब आज पढ़ेंगे सर्वप्रथम दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को सवर्ण संधि भी कहते हैं। देखो सूत्र में भी है अकह सवर्णे दीर्घ। यदि रस्व या दीर्घ ई अ ई उ री री के बाद उसका ही समान वर्ण हो तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। वैसे नाम से ही ज्ञात होता है कि दीर्घ दीर्घ यानी हमें स्वर को क्या करना है, दीर्घ करना है, बड़ा करना है। तो आपको पदों में सदैव आपको दीर्घ स्वर दिखाई देगा। तो यहाँ बताया ये जो है प्रथम पद है और ये द्वितीय पद है। तो अ या आ के पश्चात अ या आ हो परंतु हमें बनाना दीर्घ है, आ बनेगा। उसी प्रकार रस्व ई हो या दीर्घ ई, और उसके पश्चात भी रस्व ई हो या दीर्घ ही, तो हमें सदैव दीर्घादेश करना है, दीर्घ ई आदेश करना है। तो उ या उ के पश्चात, अब ये आवश्यक नहीं है कि पहले रस्व उ है तो बाद में भी रस्व उ ही होना चाहिए, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो वहां हमको दीर्घ उ आदेश करना है, और री के पश्चात री है तो भी हमें दीर्घ री आदेश करना है, अर्थात सदैव दीर्घ संधि में दीर्घ आदेश होता है। तो सर्वप्रथम हम आ के उदाहरण देखते हैं, जैसे विद्यालय विद्या, धन आलय छात्रावास, छात्र धन आवास। तो देखिए यहाँ आ है पहले, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी आ है, तो दोनों जगह दीर्घ आ आपको दीर्घ स्वर ही दिखाई देगा, परंतु हमको बनाना सदैव दीर्घ ही है। छात्र धन आवास यहाँ रस्व है और यहाँ दीर्घ है, परंतु हमने आदेश सदैव दीर्घ किया। अब ई के उदाहरण देखते हैं, मुनिंद्र मुनि, धन इंद्र, लक्ष्मीश लक्ष्मी, धन ईशः, पृथ्वींद्र पृथ्वी, धन इंद्रः, कपिंद्र कपि, धन इंद्रः। तो यहाँ देखिए कि मुनि की ई रस्व है और ये भी रस्व है, परंतु पदों में सदैव आपको दीर्घ स्वर ही दिखाई देगा। जैसे मुनि की जहां से हम विच्छेद करते हैं वहां आपको दीर्घ स्वर ही दिखाई देगा, जैसे रवि धन इंद्र। तो रवि के वी में से हमने क्या लिया, ई लिया, और इंद्र का जो ई है ये लिया, और हमने यहाँ पर दीर्घ आदेश किया। तो जब रवि के वी में से ई निकालते हैं तो वह हलंत रह जाता है, और इंद्र का भी ई लेते हैं तो द्र रह जाता है, और इन दोनों वर्णों के स्थान पर हमने क्या किया, दीर्घ आदेश किया, ये दीर्घ दी दिखाई दे रही है, और वर्णों पदों को मिलाने पर हमारा रविंद्र पद का निर्माण होता है। उसी प्रकार उ के उदाहरण देखिए, सुधन उक्ति। तो सु में से भी हमने उ लिया और उक्ति का भी उ लिया और दीर्घ आदेश दीर्घ उ किया। तो जब उ लिया है हमने तो स हलंत रह जाता है, और उक्ति का उ लेने पर पीछे ती दिखाई देता है, और इन दोनों के स्थान पर हमने दीर्घ उ आदेश किया, और सुक्ति इन वर्णों को मिलाने पर सुक्ति पद का निर्माण हुआ। भानुष्मा भानु धनुष्मा। उसी प्रकार ये समझाया गया है कि नू में से उ लिया है और उष्मा का भी उ लिया, तो ये रस्व उ है ये दीर्घ उ है, पर हम सदैव क्या कर रहे हैं, दीर्घ आदेश कर रहे हैं, दीर्घ उ आदेश किया और भानुष्मा पद का निर्माण हुआ। परंतु पदों में आप सदैव देखिए आपको दीर्घ उ ही दिखाई दे रहा है, दीर्घ आदेश ही दिखाई दे रहा है। सिंधु धन उर्मी, विष्णुदय विष्णु, धन उदय। त्री के उदाहरण है जैसे होत्री धन रिकार होत्रिकार,
पित्री धन ऋणम पितृणम। तो हमने ये दीर्घ संधि पढ़ी, तो दीर्घ का मतलब ही है बड़ा, दीर्घ स्वर करना है। पदों में सदैव आपको दीर्घ स्वर दिखाई दे रहा है, विच्छेद करने पर वह पहले ह्रस्व और दीर्घ भी हो सकते हैं या दीर्घ और दीर्घ भी दिखाई दे सकते हैं, पर सदैव सवर्ण दिखाई देंगे। अब हम यहाँ गुण एवं वृद्धि संधि पढ़ेंगे। हम संधि इसलिए अच्छी तरह नहीं समझ पाते कि हम एक संधि दूसरी संधि से कैसे भिन्न है, किस तरह भिन्न है। तो सर्वप्रथम मैं दोनों संधियों में आपको अंतर समझाऊंगी, जिससे आप संधि को आसानी से समझ पाए। तो गुण एवं वृद्धि संधि को देखते हैं। गुण नाम से ही ज्ञात होता है, गुण यानी छोटा, वृद्धि उससे बड़ा, उससे दीर्घ बड़ा कहते हैं। तो नाम से ही हमको पता चलता है कि गुण यानी छोटा और वृद्धि यानी बड़ा। तो देखिए कि सबसे पहले प्रथम पद दोनों स्थान दोनों संधियों में आपको अ या आ ही दिखाई देगा, जैसे यहाँ अ या आ के पश्चात ई उ री, ये ह्रस्व भी हो सकते हैं दीर्घ भी हो सकते हैं, यानी छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है। तो ह्रस्व या दीर्घ ई उ री दिखाई देंगे, जबकि यहाँ आपको ए ऐ ओ और औ दीर्घ स्वर दिखाई देंगे। तो दोनों संधियों में सर्वप्रथम समानता ये है कि आपको प्रथम पद के अंत में अ या आ ही दिखाई देगा। तो इसको याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप ऐसे मान लीजिए कि जो बोलने में छोटे स्वर है हल्के लगते हैं ई उ, तो री जैसे कि ई बोलने में हल्के लगते हैं, तो जब अ या आ के पश्चात छोटे स्वर आपको पीछे दिखाई दे, हल्के स्वर दिखाई दे, तो वहां गुण संधि। और जब अ या आ के पश्चात जो बोलने में थोड़ा भारीपन लगता है ए ऐ ओ औ दीर्घ स्वर जो लगते हैं, तो वहां वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ है कि अ या आ के पश्चात आपको ह्रस्व या दीर्घ ई दिखाई देती है, तो वहां ए आदेश करना है। अ या आ के परे आपको ऊ या दीर्घ ऊ दिखाई देता है, तो ऊ आदेश करना है, या री के स्थान पर आपको पर आदेश करना है। उसी प्रकार ए या ऐ है, अर्थात अ या आ के बाद में आपको ए या ऐ है, तो वहां ऐ आदेश करना है, और ओ या औ के पश्चात औ आदेश करना है, और री के स्थान पर आर। तो ये तो हमने देखा कि विच्छेद करने पर आपको ऐसी स्थितियां नजर आएगी। और यहाँ जब हम पद होंगे तो जैसे महेंद्र लंबोदर, तो इन पदों के ऊपर आपको एक मात्राएं दिखाई देगी। लंबोदर परोपकार हितोपदेश ये सारे उदाहरण हैं। और वृद्धि संधि में हमेशा सदैव उसके ऊपर दो मात्राएं, सदैव वनौषधि अत्रैव, ये सारे आपको वृद्धि संधि के उदाहरण है। यहाँ री के स्थान पर अर होता है महर्षि देवर्षि, यहाँ सुखार दुखार्त आर आपको पदों में दिखाई देगा। तो सर्वप्रथम हम इसको अब विस्तार पूर्वक समझते हैं, गुण संधि उदाहरण से ही समझते हैं। आद गुणः, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ या आ हो और उसके परे अर्थात द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ ई उ री री हो, तो उन दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर एवं अल आदेश होता है। तो देखिए यहाँ मैंने बताया कि सर्वप्रथम जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण सदैव गुण हो या वृद्धि संधि हो अ या आ ही दिखाई देगा। तो अ या आ के परे यदि आपको ई या दीर्घ ई दिखाई देती है, तो ए आदेश करना है। अ या आ के परे उ या ऊ हो तो ओ आदेश करना है। अ या आ के परे री है तो अर आदेश करना है, एवं अ या आ के परे री है तो आपको अल आदेश करना है। तो सर्वप्रथम हम ए के उदाहरण देखते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अ और आ या आ मिलके
अ या आ के पश्चात ई मिलके ई आदेश बनता है, एक बनता है। जैसे नरेंद्र, नर, धन, इंद्र। तो देखिए र में क्या है, अ, एवं इंद्र का भी ई क्या है, ई का ई लिया है। पर ये देखिए दोनों स्वर है, तो सर्वप्रथम हमें ये ज्ञात हो जाता है कि ये स्वर संधि है, क्योंकि मिलने वाले दोनों वर्ण स्वर है। तो नर के र में से अ लिया और इंद्र का ई लिया। तो जब अ ले लेते हैं तो र हलंत रह जाता है, और इन दोनों के स्थान पर हमने ए आदेश किया, अ और ई मिलके बनाया क्या हमने ए, और पीछे द्र रहा था वो वैसा ही रखा, और वर्णों को मिलाने पर नरेंद्र पद का निर्माण हुआ। देखिए नर, र में ए चला गया तो रे बन गया और द्र। अब उसी प्रकार महेंद्र, महा, धन इंद्र, राजेंद्र, राजा, धन इंद्र, सुरेंद्र, सुर, धन इंद्र, गणेश, गण, धन ईश। तो देखिए आपको पदों के ऊपर क्या है, सदैव एक मात्रा दिखाई दे रही है, और विच्छेद करने पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण कहीं आ है कहीं अ है, तो अ या आ दोनों में से कोई भी हो सकता है, और पीछे आपको दीर्घ ई भी दिखाई दे रही है, ह्रस्व ई भी दिखाई दे रही है, तो इन दोनों में से कोई भी ई होती है तो हम यहाँ ई बनाते हैं, ई आदेश करते हैं। तो आपको देखो पदों के ऊपर एक मात्राएं और विच्छेद करने पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ, और पीछे ई ऊ री कुछ भी दिखाई दे सकता है। अब हम ओ के उदाहरण देखते हैं, अ या आ के पश्चात उ या दीर्घ है तो हमको ओ आदेश करना है। चंद्रोदय, चंद्र, धन, उदय। तो देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ है और उसके परे उदय का उ लिया है, तो ये दोनों स्वर है, अर्थात ये स्वर संधि का उदाहरण हुआ, पर अ और उ मिलके हम ओ आदेश करते हैं। तो चंद्र, सॉरी चंद्र, और यहाँ हमने ओ आदेश किया और पीछे जो दय बचा था वो लिया, तो इस प्रकार चंद्रोदय पद का निर्माण किया। ओ के कुछ उदाहरण हम और देखते हैं, सूर्योदय, सूर्य, धन उदय, हितोपदेश, हित, धन उपदेश, परोपकार, पर, धन उपकार, भावोर्मी, भाव, धन उर्मी। तो देखिए गुण संधि है इसलिए प्रथम पद अ या आ है, एवं पीछे मैंने कहा याद रखने का सबसे आसान तरीका कि जो बोलने में हमें हल्के स्वर लगते हैं ई ऊ री, तो ये जब बाद में अ या आ के पश्चात दिखाई देते हैं तो वहां गुण संधि होती है, और बोलने में जो भारी हमें ए ऐ ओ औ बोलने में जो भारीपन लगता है तो वहां दीर्घ संधि आपको दिखाई देगी। परंतु इसके कुछ अपवाद है, जैसे अक्षोहीनी, स्वेरम। अब मैंने बताया था कि वृद्धि संधि में जब दो मात्राएं होती है तो वहां वृद्धि संधि होती है, किंतु ये अपवाद है क्योंकि इसका विच्छेद करने पर अक्ष, धन, उहीनी, तो अ और उ मिलके ओ बनना चाहिए था, गुण संधि होनी चाहिए थी, किंतु यहाँ हमें वृद्धि संधि दिखाई दे रही है, तो ये अपवाद है। उसी प्रकार स्वेरम, स्व, धन, ईरम, तो यहाँ अ और ई मिलके ए बनाना था, यहाँ हमको एक मात्राएं दिखाई देनी चाहिए थी, परंतु यहाँ दो मात्राएं दिखाई दे रही है, तो ये इसके अपवाद है। अब हम अर के उदाहरण देखते हैं, अ या आ के पश्चात यदि री है तो हमें अर बनाना है। तो देखिए महर्षि, महा, धन, ऋषि है, तो देखिए यहाँ से हमने महा के हा में से आ लिया एवं इधर से री लिया, तो जब आ हमने ले लिया तो म ह ह हलंत रह गया, और इसका भी जब हमने ऋषि का री लिया तो पीछे शी रह गया, और आ और री मिलके हमने यहाँ अर आदेश किया, तो इन दोनों के मध्य हमने अर लाया। तो मह ह में अ चला गया तो मह ह पूरा हो गया, पूर्ण हो गया, और जब आधा री है वो सदैव आगे वाले वर्ण पे लग जाता है, तो
ये शी पर रीच लगा दिया हमने, तो इसी प्रकार महर्षि पद का निर्माण हुआ। इसके कुछ और उदाहरण हैं, देवर्षि देव, दन ऋषि, सप्तर्षि सप्त, दन ऋषि, राजर्षि राजा, दन ऋषि, ग्रीष्मर्तु ग्रीष्म, धन ऋतु। अब कुछ अल के उदाहरण देखते हैं। अ या आ के पश्चात आपको ल्री है, तो संस्कृत में ल्री को भी स्वर माना गया है और इसके स्थान पर हम अल आदेश करते हैं, जिसके तवलकार त, धन ऋकार, ममलकार मम, धन ऋकार। तो ये हमने गुण संधि पढ़ी पूर्ण रूप से। अब हम वृद्धि संधि को देखते हैं। तो वृद्धि संधि का उदाहरण है, सॉरी वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। ये सूत्र कहता है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो एवं उसके परे ए ऐ ओ औ हो, तो उन दोनों के स्थान पर क्रमशः ऐ एवं औ आदेश होता है। जैसे अ या आ के पश्चात ए या ऐ है तो हमें ऐ आदेश करना है, अ या आ के पश्चात ओ या औ है तो औ आदेश करना है, एवं अ या आ के बाद री है तो यहाँ आर आदेश करना है। गुण संधि में अर करते हैं, वृद्धि में आर करते हैं। तो देखिए यहाँ अ के आय के पश्चात आपको बोलने में जो भारी स्वर लगते हैं यहाँ वो दिखाई दे रहे, तो जब अ या आ के पश्चात हल्के स्वर हो तो गुण और भारी स्वर हो तो वृद्धि संधि होती है। तो आइए इसके उदाहरण ऐ के उदाहरण देखते हैं। जैसे अत्रेव अत्र धन एव, तो यहाँ प्रथम पद ये हमारा अत्र है, इसका अंतिम वर्ण त्र में अ है लिया है, और ये द्वितीय पद है और इसका प्रथम वर्ण है ए, तो अ और ए मिलके हमने ऐ आदेश किया, तो अत्र धन ऐ धन व, और इन वर्णों को मिलाने पर हमारा अत्रे पद का निर्माण हुआ। देवेश्वर्यम देव धन ऐश्वर्यम, सदैव सदा धन एव, उसी प्रकार ये उदाहरण है अद्येव सहसेव तत्रेव। तो आप देखिए पदों के ऊपर आपको दो मात्राएं दिखाई दे रही है, देखिए तो जब पदों के ऊपर जहां से विच्छेद कर रहे हैं वहां दो मात्राएं दिखाई दे रही है तो वहां वृद्धि संधि होती है। अ या आ के पश्चात ओ या औ है तो हमें वृद्धि आदेश औ ही करना है। इसके उदाहरण देखते हैं, जलोग जल धन ओग्य, तवौषधम तव धन औषधम, जनोचित्य जन धन औचित्यम, महौषधि महा धन औषधि। तो आपको देखिए पदों के ऊपर जहां से विच्छेद कर रहे हैं वहां दो मात्राएं दिखाई दे रही है, और विच्छेद करने पर यहाँ प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ दिखाई दे रहा है, अब यहाँ ओ भी है औ भी है तो भारी स्वर पीछे है तो यहाँ वृद्धि संधि होगी। अब अ या आ के पश्चात री है तो हमें आर बनाना है। जैसे प्रार्थति प्र धन ऋच्छति, तो प्र के में अ है और पीछे री है और हमें आदेश करना है आर। सुखार्थ सुख धन रीतः, दुखार्थ दुख धन रीतः, वसनार्णम वसन धन ऋणम। तो देखिए यहाँ पदों में आपको बोलने पर आपको आर दिखाई दे रहा है, दुखार वसनार्णम प्रार्थति, तो ये वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण आपको दिए हैं। तो हमने दीर्घ दीर्घ गुण एवं वृद्धि संधि का अध्ययन किया। तो दीर्घ यानी आपको पदों में दीर्घ स्वर दिखाई देगा, गुण में आपको पदों के ऊपर एक मात्राएं एवं वृद्धि संधि में आपको दो मात्राएं दिखाई देगी। यदि आपने गुण एवं वृद्धि संधि को अच्छे से समझा है तो आप यण एवं अयादि संधि को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज इसमें हमने दीर्घ गुण एवं वृद्धि संधि को पढ़ा। संधि किसे कहते हैं ये
हमने पढ़ा। अब आप हमारा मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए, यण अयादि पूर्व रूप एवं पर रूप संधि के लिए। तो उसमें हम स्वर संधि के ही अगले भेद यण अयादि पूर्व रूप एवं पर रूप संधि को पढ़ेंगे।